Hello and welcome to the CSR Journal presents Brands Impact Safar Kamyabi Ka, Season 1 in association with Sakarni Plaster aur hamare fashion partner hain Absoluto, the finer side of fashion. Namaskar, main hoon Aman Yatan Verma, hamare show Safar Kamyabi Ka, main aapka ek baar phir se swagat karta hoon. Kuch sitaron ki chaal juda, kuch khuda ka andaaz alag, hai sari baat lakiron ki, tere haath alag, मेरे हाथ अलग. दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में सफल बनने के लिए और मनचाहा मुकाम पाने के लिए हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है. हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमारी सफलता में ऊपर वाले की बनाई लकीरों और सितारों की चाल भी उतना ही महत्व रखती है. कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता है, लेकिन उसकी मर्जी जानना हम सबके बस की बात नहीं है. यह हुनर खुदा ने कुछ खास लोगों को बख्शा है. आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर अर्चना, जिन्होंने बैचलर्स किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में, एंड नाउ शी इज अ डॉक्टर टर्न एस्ट्रोलॉजर. डॉक्टर अर्चना का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी उनके लिए नॉलेज के समंदर की तरह है, जिसमें वो रोज गोता लगाती है, हर बार एक नया मोती ढूंढ लाती है, और इसीलिए वो हमेशा ऐसे मोतियों की तलाश में रहती हैं जिससे वे लोगों की समस्याओं का हल ढूंढकर उनकी मदद कर सके. डॉक्टर अर्चना इज मैरिड टू डॉक्टर ईश्वर चंद्र और वो दो बेटों और एक प्यारी सी बेटी की मां है. तो आइए सुनते हैं एक साधारण महिला की असाधारण सफलता की कहानी उन्हीं की जबानी. डॉक्टर अर्चना, हमारे शो सफर कामयाबी का में आपका बहुत 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 स्वागत है. इससे पहले कि हम अपने सवालों से आपको परेशान करें, बहुत सारे सवाल आपके सामने रखें, आइए नजर डालते हैं आपकी जिंदगी के कुछ शानदार और यादगार पलों पर. आइए देखते हैं. बहुत खूब, अच्छा खासा लंबा सफर आपने तय किया है. आपकी परवरिश आपके नाना नानी की छत्र छाया में एक तरह से हुई है और आपका उनके साथ काफी गहरा जुड़ाव रहा है. काम के सिलसिले में आपके जो माता पिता हैं वो आपको ज्यादा समय दे नहीं पाए, आपसे दूर रहने पर एक तरह से मजबूर थे, इसलिए आपका बचपन ननिहाल में बीता है. तो कुछ साल आपने गुरुकुल में या बोर्डिंग स्कूल में, जिसे हम कहते हैं, वहां पे आपने बिताए हैं और काफी कड़ा अनुशासन रहा है आपकी जिंदगी में. तो आपकी जो बचपन की कुछ यादें हैं उसके बारे में पहले हमें बताएं. जी, मैं ननिहाल में ही पैदा हुई. देहरादून मेरा ननिहाल था. मेरे नाना जी ONCC में ऑफिसर थे जी. मेरे मम्मा पापा दोनों PhD और एक प्रिंसिपल और एक मतलब लेक्चरर थे. मम्मा लेक्चरर थी, पापा प्रिंसिपल थे. दोनों की लाइन कुछ ऐसी थी कि ननिहाल में ही छोड़कर मुझे चले गए थे. मैंने जब होश संभाला तो मैं उनको ही मम्मी पापा कहती थी, मम्मी डैडी अपने नाना जी को बोलती हूँ अभी तक जी. व्हाई एस्ट्रोलॉजी? सर्जरी टू एस्ट्रोलॉजी एक तरह से साउंड्स वेरी वेरी स्ट्रेंज. मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ आप सर्जन बनने जा रही थी, सर्जरी करने के बाद आप सडनली एस्ट्रोलॉजी में आ गई, तो ये कैसे हुआ? व्हाई जी? जब मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे तो आयुर्वेद में मैंने किया है तो आयुर्वेद और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है. अगर ऐसे देखा जाए, ज्योतिष को और आयुर्वेद को दोनों ही पढ़ो तो बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं. बड़ी अजीब बात है कि अच्छा जी, जैसे अगर कभी हम आयुर्वेद में कहते हैं, आज लोग नहीं करते BMS डॉक्टर ऐसा या MD करके भी, लेकिन किसी भी जड़ी बूटी को अगर मतलब लिया जाता है तो पहले निमंत्रण दिया जाता है, चावल डाल के हाथ जोड़ के, कि कल हम आपको लेने आएंगे. मतलब जड़ी बूटी को जी, ऐसे मतलब अगर आपके पुरानी सारे ग्रंथ हैं तो आयुर्वेद में भी ऐसा ही है. अच्छा. और ऐसा ही ज्योतिष में है कि अगर हमें किसी की, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज्यादा नग आम लोग नहीं पहन सकते और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज नहीं कर सकते, नग से भी ज्यादा सुटेबल होती है किसी भी पेड़ की जड़, क्योंकि हर ग्रह का एक पेड़ है. अच्छा. अगर बृहस्पति है तो उनका केला पेड़ है, ऐसे ही अगर मंगल है तो अनंत मूल की जड़ से काम चलाया जाता है. तो आपके हिसाब से नग पहनने के बजाय अगर आप वो जड़ी पेड़ की जो जड़ी बूटी है वो ज्यादा काम करती है, वो ज्यादा आपके हिसाब से काम करती है.
छोटी आसान रेमेडीज ज्यादा काम करती हैं। फर्क इतना होता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजर महंगे महंगा या बहुत मुश्किल चीजें इसलिए कहते हैं कि अगर मैं कह दूं फिटकरी से दांत साफ करने से करोड़ों रुपए के पन्ने से भी ज्यादा इफेक्ट होगा, तो लोग कहेंगे क्या फिटकरी, ऐसे करना चाहिए कि नहीं, करेंगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सिर्फ इसी वजह से शायद लोग बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, अदरवाइज तो बहुत आसान सी रेमेडी है और आसान सी चीजें हैं, जैसे आयुर्वेद में ऐसे ज्योतिष में। ज्योतिष में भी किसी पेड़ की जड़ को उसी तरह निमंत्रण देके मांगा जाता है। बहुत खूब अर्चना जी, आपकी एक्सपर्टीज रही है लाल किताब, अंक ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष, ये आपके एक्सपर्टीज रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं इन सब के बारे में आप उन्हें बताएं कि क्या मतलब, मैं भी बहुत टेलीविजन में देखता हूं कि ये एक ज्योतिष है, वो लाल किताब निकाली है और लाल किताब में ये लिखा है, तो ये सारी चीजें हैं क्या? जी, मैं वैसे भारतीय वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा उसको पढ़ा पहले। तो डिफरेंस क्या है इन सब का? डिफरेंस बताती हूँ आपको। उसके बाद लाल किताब को पढ़ा, अंक ज्योतिष को पढ़ा, वास्तु शास्त्र को भी पढ़ना पड़ा जी, यंत्र शास्त्र को भी पढ़ना पड़ा। ये उस तरह का है कि जैसे आपने मेडिकल की पढ़ाई तो पढ़ ली, लेकिन उसके बाद आपको एक एक दवाई का या कुछ अलग अलग काइंड्स ऑफ मेडिसिन का ज्ञान होना जरूरी है। तो लाल किताब एक्सपर्टीज आप कौन सा पकड़ते हैं? जी, अब भारतीय ज्योतिष कहती है कि बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तो आप छतरी ले लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए और रेनकोट पहन लीजिए। लाल किताब कहती है हम आपको बाहर से अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं किसी रूम में जहां बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ऐसी रेमेडीज हैं लाल किताब में, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर वक्त ध्यान रख के करने वाली है, क्योंकि अगर उस इंसान के ग्रह खराब हुए और थोड़े देर बाद 15 दिन के लिए तो छत के नीचे रख दिया, लगातार बारिश हो रही है, दुखों की बारिश हो रही है, परेशानियां आ रही हैं, और वो छत गिर गई तो कौन संभालेगा? तो इसलिए भारतीय वैदिक ज्योतिष के साथ लाल किताब की रेमेडीज हम तब यूज करते हैं जब किसी को बिल्कुल फांसी पे लटकाया जा रहा है, नीचे फट्टे की जरूरत है, तो लाल किताब बहुत कामयाब है। अच्छा, और अंक ज्योतिष? अंक ज्योतिष एक अलग से छोटा सा विज्ञान है, लेकिन बहुत वैल्यू है इसकी कि आप कैसे साइन करते हैं, आपका नाम जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके उससे पूरा मैच करना चाहिए। ये जो तीन अंक किताब और ये सब हैं, इनका महत्व किस तरह से एक इंसान के जीवन में पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये जरा लोगों को समझाइए। जी, ऐसा होता है कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता हो तो हम उसकी जन्मपत्री बना देते हैं जी, और जन्मपत्री बना के उसके ग्रह सब, किसी के भी सारे ग्रह बहुत अच्छे नहीं होते जी, किसी के भी सारे ग्रह बहुत खराब नहीं होते। सही है, तो मेन तो ये होता है कि कुंडली 2 मिनट में नहीं देखी जाती, तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, गोचर, वर्षफल को देख के अगर हमें ये लगता है कि कुंडली तो ठीक है, कुंडली के उपाय कर लिए, लेकिन इंसान का नाम ही उसकी डेट से मैच नहीं करता। अच्छा, तो हम नाम में एक ही स्पेलिंग और डाल देंगे या कोई छोटी सी स्पेलिंग ऐड कर देंगे, उसको 5-7 नाम सुझा देते हैं और बता देते हैं ये तुम्हारे लिए 100% काम करेगा और ये तुम्हारे लिए 95% काम करेगा, अभी तुम्हारा नाम ही तुम्हारे विपरीत है, इतना लाभ उसका नहीं होता। तो ये वाकई में नाम, जो आपका नाम है उसमें एक अल्फाज या एक अल्फाबेट डालने से फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत को आपके पति ईश्वर चंद्र जी एक डॉक्टर हैं और आप दोनों का एक नर्सिंग होम भी है, तो आशा नर्सिंग होम उसका नाम है, जहां आप दोनों एक साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। कितना सपोर्ट मिला है अपने पति की तरफ से? बिकॉज यू नो, एक हॉस्पिटल को छोड़कर जो काम आप कर रही हैं, ज्यादातर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते। जी, आरोग्यशाला नाम था इसलिए शॉर्ट नेम आशा रखा गया, आशा। उसमें हम दोनों बहुत काम करते थे जी, साथ में मैं ज्योतिष पढ़ रही थी उन दिनों, पढ़ने के लिए भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कभी ये नहीं रोका कि ये तुम क्या पढ़ रही हो और मेरे विचार इससे विपरीत हैं, मैं आर्य समाजी हूं, मैं नहीं। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पत्नी है वो एक ऐसे विचार की तरफ जा रही है जो आपके विपरीत है, विपरीत जो कि कोई भी पति या हस्बैंड स्पेशली हिंदुस्तान में इस बात को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ी जबरदस्त प्रेरणा है मेरे, मतलब हर वक्त कोई पति ना साथ तो दे सकता है लेकिन अपनी पत्नी की तरक्की से इतना खुश नहीं हो सकता, वो बहुत खुश होते हैं मेरी तरक्की से और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और सारे ससुराल वाले भी, ये बहुत अच्छी बात है, मायका हो, ससुराल हो, फ्रेंड्स हो, पति हो, अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो मैं यहां ना पहुंचती। बहुत खूब, बहुत खूब। आई थिंक इस तरह की फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की हर औरत को, हर बहू को मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके अब तक के कुछ खास प्रेडिक्शंस के बारे में। 2014 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी की बहुमत के साथ जीत की भविष्यवाणी आपने 2 साल पहले कर दी थी, 2014 से 2 साल पहले, जबकि कुछ बहुत नामी ग्रामी जो ज्योतिष हैं उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चुनाव एक तरह से कठिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रहों की चाल है उसके हिसाब से दोनों पर 7.5 सती एक तरह से लगी हुई है। तो आप, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये प्रेडिक्शन
कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और इतने कॉन्फिडेंटली आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी ही डेफिनेटली जीतने वाली है? जी, मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की कुंडली में साढ़े साथी चल रही थी, जी राहुल गांधी जी की कुंडली में साढ़े साथी चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में साढ़े साथी चल रही थी, उस समय अभी तक चल रही है वो। अच्छा, ओके, क्योंकि तब शुरुआत तो था, साढ़े साथी का मतलब साढ़े सात चलती। तो जब मुख्यमंत्री बने लास्ट टाइम गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, तो मैंने उनकी कुंडली देखी और एक चंडीगढ़ में छपने वाली अखबार यू कनेक्ट और एक गुजरात में छपने वाली अखबार, दोनों में उसको छपवाया उस कुंडली को कि ये आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। वो क्यों? क्योंकि दोनों की साढ़े साथी चल रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली में के हिसाब से देखा जाता तो नहीं मुश्किल था बहुत जीतना, लेकिन अब की बार मोदी सरकार, आपने सुना होगा ये नारा था, नरेंद्र मोदी की कुंडली की वजह से बीजेपी का आना संभव हो गया। अगर दोनों की कुंडली बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में कांग्रेस की कुंडली से थोड़े बैटल ग्रह थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को आगे ना रखा होता और अब की बार मोदी सरकार ये नारा ना होता तो शायद जीतना मुश्किल था। क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्र और मंगल एक साथ हैं, मंगल बहुत स्ट्रांग ग्रह है कि इंसान जो सोचता है वो कर लेता है, बस एक बार वो गोल सोच लेता है, बड़ा ऊंचा सोच लेता है और उसके बाद चल देता है। अच्छा, उसमें फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठा है, कर्म स्थान में, और जनता को देख रहा है, जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है इंसान, करेगा भी। अभी माननीय पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी साढ़े साथी में ढाई साल से मतलब उनके चंद्र राशि पे शनि चल रहे थे, एक सबसे मुश्किल टाइम था, वो कर लिया तो आगे तो बहुत आसान है। मैं तो उनकी कुंडली देख के प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था कि आने वाले प्रधानमंत्री होंगे, अगली बार आएंगे और विश्व के नेता होंगे। तो आप ये प्रेडिक्ट करती हैं कि अगला जो हमारा इलेक्शन होगा उसमें भी मोदी जी आने वाले हैं, 2019 में आने वाले हैं 100%। और जब आप, क्या बात है, 100%, और आप बोल रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल के एक लीडर ये एशिया के नेता होंगे, बहुत अच्छा मतलब उनका वो है, बहुत खूब। तो यहाँ पे आप राहुल गांधी जी के बारे में भी कहिएगा कि मतलब इतने सालों से हैं तो प्रॉब्लम राहुल जी के साथ कहाँ पे आ रही है? राहुल गांधी जी की कुंडली में मैंने देखा कि उनका वृश्चिक का चंद्र पंचम में बैठा है, जो लाभ स्थान को उच्च होकर देख रहा है। ठीक है, कुंडली में जहां जब भी कोई बहुत नीच ग्रह होता है तो उसकी दृष्टि उच्च हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उनको इतने लाभ मिल रहे हैं कि भाई उनका नाम राहुल गांधी जी हर कोई जानता है, पूरे विश्व में जानता है जी। ये लाभ उस चंद्र के कारण ही है, लेकिन क्योंकि वो पंचम में बैठा है और पंचम जो है सेकंड हाउस से, जो हमारी वाणी का घर है, उसके सुख का स्थान है, उससे फोर्थ स्थान है, तो उन्हें वाणी का सुख थोड़ा सा कम मिलता है। अगर उनका मतलब उनकी जन्म पत्रिका में कोई ऐसा करे, कोई ज्योतिषी जरूर उनके पास भी होंगे, या मानते होंगे या नहीं मानते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनकी कुंडली सिर्फ देखी है, बात नहीं की उनसे कभी, लेकिन अगर उनकी कुंडली में उनके वृश्चिक के चंद्र का सुधार कर दिया जाए तो शिक्षा तो चलो अब एज गुजर गई, लेकिन कम से कम वाणी में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है, वो बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं। क्योंकि पंचम स्थान बहुत वो है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, शिक्षा का, वाणी का, इसका स्थान है, जो कि सारस्वती से अभी जूझ रहे, लेकिन आने वाला टाइम उनके लिए बेटर होगा जैसी सारस्वती निकलेगी। भारत ने 28 साल के बाद 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और कुछ प्लेयर्स की जो कुंडली के हिसाब से आपने प्रेडिक्ट किया था एक बार फिर कि हमारा देश जीतने वाला है, और एक नेशनल न्यूज चैनल पर आपने अनाउंस भी कर दिया था, तो इसके बारे में बताएं। जी, जब ये जीता था तब भी अनाउंस किया था, क्योंकि शनि जो है वो क्रिकेट के दाता हैं, तो वो जहां होते हैं वो देश जीत सकता है। अच्छा। तो उस वक्त कुंडली कुछ ऐसी थी कि भारत आराम से जीत सकता था और प्लेयर की कुंडली भी बहुत अच्छी थी। अभी हाल के चुनावों में आपने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी अगस्त में फिर से की है, प्रेडिक्शन आपके एकदम, तो इस रिजल्ट के बारे में बताएं, इतनी एक्यूरेसी किस तरह से आप पा लेती हैं? जी, अगस्त में एक कोई टीवी प्रोग्राम था, उसमें मुझसे पूछा गया कि आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल में प्रोग्राम है, वो इलेक्शन है, चुनाव है, तो क्या होगा। मैंने क्योंकि पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था गुजरात की कुंडली और बीजेपी की कुंडली को मैच करके, बाकी जितने भी वहां और पार्टीज थी सबकी मैच करके, हिमाचल में भी इसी तरह, तो मैंने इसलिए जब तक अगर काम किया हो तो ठीक है, किसी के लिए मैं झूठ या फिर तुक्के नहीं लगाती कभी भी, जो तो मैंने बड़े उससे कहा कि 100% जीत रहे हैं। लोगों ने सवाल किया कि नहीं गुजरात में तो इस बार नहीं जीत रहे हैं। हाँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोगों ने ये कह रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पे बीजेपी नहीं आने वाला है, बट मैंने कहा नहीं जीतेंगे तो पक्का, ये हो सकता है मार्जिन थोड़ा सा कम हो, जीतेंगे पक्का, फाइनली जीते, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? न्यूमरोलॉजी भी अच्छा साइंस है,
उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है. ऐसे की नेम की स्पेलिंग बदलने से बहुत चेंज आ जाते हैं. कई लोग हमारे पास आते हैं जिनकी हम सिर्फ नेम में ए लगा दिया और कुछ लगा दिया. अपनी बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस. आज से 11 साल पहले मैंने अर्चना में डबल ए लगाया था. अच्छा. क्योंकि मुझे वन नंबर चाहिए था. मैं 5 मार्च बोर्न हूँ, यानी कि 5 मेरा नंबर है जी. और 5 बुध का नंबर है. बहुत बुद्धि के दाता होते हैं लेकिन उनको वन नंबर सूट करता है. तो मैंने ए लगाया और उसके बाद बदलना बहुत मुश्किल था. और उस टाइम मैंने जल्दी में 2 अकाउंट खोले बैंक में. अच्छा. जिसमें अर्चना डबल ए करके लिख दिया और वो उसी से मुझे ग्रोथ मिलनी शुरू हुई. फिर तो हर जगह अर्चना ही लिखना शुरू हो गया, यानी ए आर सी एच ए एन डबल ए लिखना शुरू हो गया. अच्छा. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि साइन ऐसे करना शुरू कर दीजिए. अगर आप किताबों में नाम बदलने में देर लगती है तो ऐसे करना शुरू कर दीजिए. आपको रिजल्ट मिले तो आप इस नाम से चलिए. बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि परफेक्ट चीज है ज्योतिष में. जहां जहां जो जो हमने ये भी सुना है कि आप एक फिलोंथ्रोपिस्ट हैं एंड आप चैरिटी वर्क भी एक तरह से बहुत कुछ करती हैं. एंड यू आर अ मेंबर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी. यू आर अ मेंबर देयर आल्सो. लायंस क्लब में भी आप मेंबर हैं और जो एक रीजनल पीआरओ की प्रेसिडेंट भी आप रह चुकी हैं. समाज के हित के लिए आप एक तरह से काफी कुछ कर रही हैं और आगे भी करना चाहती हैं. तो इसके बारे में आप तो ये सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र के साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती हैं. जैसे कुष्ठ आश्रम में हम लोग होली बनाते हैं जाके. अच्छा. तो लोग क्या होता है कि कुष्ठ आश्रम में कम से कम वो नहीं होते लोग जिनमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो वो नहीं होते. तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके साथ होली तो कोई उनको लोग दान करने जाते हैं सिर्फ. हम उनके साथ होली मनाते हैं और उनको सम्मान देके कहते हैं कि खाना ही आप बनाओगे, हम भी खाएंगे, आप भी खाओगे. और आप उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनका बनाया हुआ खाना खाते हैं, उनका उनके हाथों का बनाया हुआ खाना. और आप हैरान होंगे कि कुछ सालों से वो लोग बहुत चेंज हो गए हैं. वो कहते लोग आते थे दूर से, दान ऐसे देते थे कि हाथ ना लग जाए, लेकिन आप बनाया हुआ खाना खाते तो अब लोग भी समझने लगे हैं कि ऐसा नहीं है, कि ऐसे नहीं होता है, छूने से नहीं होता है. बहुत खूब, वंडरफुल. ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि जितनी वो अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं वो उतना उन्हें अपनी जिंदगी में फल अब तक मिल नहीं पाया है. तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि उनके जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, उन्हें हम दोष दें? इज देयर अ प्रॉब्लम? कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तो है ही है. या सर, बिकॉज मैं उस तरह का इंसान हूं कि मैं मेहनत में बिलीव करता हूं. आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा. आपसे बात करके मुझे लग रहा है आपका बुध बहुत स्ट्रांग है. खैर, ये साल तो आपके लिए 2018 है ही अच्छा. मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि आपने ये बात मुझे कह दी है. मैं चाहूंगा इसके बारे में और मैं आपसे बात करूं, लेकिन आपका कर्म स्थान अच्छा होगा इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं. कई लोगों का नहीं होता क्योंकि हमारे पास कौन आता है जो धक्के खा के आया होता है. जो पहले से ही जिंदगी में बना पड़ा वो नहीं आएगा. और मैं नहीं कहती कि आना भी चाहिए या वहम में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को भी डराती नहीं हूं. वो मेरे पास आए, मुझे उसका आने वाला कल बुरा लग रहा हो तो भी मैं उसको तरीका बता देती हूं कि इस कल को बेहतर कैसे किया जाए. फिर बार बार बंदा पूछता है कि ये तो बताओ कि होगा क्या, होगा क्या. मैंने कहा अब अच्छा होगा जब आप ये कर लोगे. बिकॉज हमारे देश में अक्सर यही देखा जाता है कि कोई भी अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी महाराज के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो आपको किसी तरह से जकड़ लें ताकि आप कहीं निकल के जा ना सकें, जितने पैसे निकाल सकते हैं. और मेरे साथ भी मतलब एक दो बार मैं कुछ लोगों के चक्कर में पड़ गया था और घूम फिर के वही बात हुई कि उसने जितने पैसे निकाल सकता था, जितनी आमदनी अपनी बना के पास. आप एक बार ही जाएंगे और उसके बाद उसकी रेपुटेशन कितनी खराब होगी. मेरे ख्याल लालच में ना पड़ के हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम किसी भी फील्ड में हो तो किसी को सहयोग दें, सामने वाले को लाभ देने की सोचें तो अपना लाभ खुद ही हो जाता है. मैं हर किसी को यही राय दूंगी, अगर सहयोग, लाभ और सुकून देने का मौका मिले तो कभी नहीं चुकना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा समाज कितना सुंदर हो जाएगा. बिल्कुल. हर कोई एक दूसरे को, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ही आपका अपना खुद का अच्छा होगा. एक हमने शुरू किया है कि जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान. वाह. तो उसमें वो काम ज्यादा तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, पर मैं हूना नाम से एक संस्था बनाई है जिसमें गांव गांव जाके वो लोगों का ब्लड टेस्ट करते हैं, कैंप लगाते हैं. मैं कभी कभी किसी एक आदमी जाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ. लेकिन ये शुरुआत हमने कुछ साल पहले, यानी 15-16 साल पहले की थी, कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आसपास कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत हो तो हमारे पास आएगा. जैसे आप हमारे पास आए, आपने कहा ओ नेगेटिव चाहिए, तो हम उनके परिवार में कहेंगे आपका जो भी कोई एक बंदा हमें लिखवा दो, कोई भी ग्रुप हो उसका, ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव. ओ नेगेटिव आपको आज ही दे देंगे, लेकिन बदले में किसी दूसरे को आपको भी देना पड़ेगा. तो उसका फोन नंबर, एड्रेस लिखा लिया. अब एक संस्था शुरू की है मैं हूं ना, जिसमें एक कैंप लगाते हैं
और उसमें ऊपर मतलब जगह जगह बड़े बड़े फ्लेक्सेस लगा देते हैं, मैं हूं ना, नीचे जितने भी लोग होते हैं उनके फोन नंबर और ब्लड ग्रुप, जिससे जब भी किसी को जरूरत हो उसके पास जाए, साइकिल चलता रहता है। जब भी किसी की डेथ होती है हम अफसोस तो करते ही हैं, कई बार बुरा भी लगता है, लेकिन हम जाके पूछ लेते हैं आपको नेत्रदान करने हैं, आपकी इस इंसान की वजह से दो लोग देख सकेंगे, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है अंधों की जो देख नहीं सकते नेत्रहीन लोगों की। सही बात, हमारे देश में तो वैसे ही बहुत, हालांकि उनमें बहुत सारी चीजें पहले से होती हैं जिनके भगवान एक चीज छीन लेता है। जब भी कोई नेत्रहीन होगा तो उसके बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो आपने पंचलाइन अभी मुझे बताई थी, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, बहुत ही कमाल कमाल की लाइन। बहुत सारे लोग देते हैं आजकल। कुछ ऐसे टिप्स जिनसे हमारे ये शो जो इस समय अपनी आपके एपिसोड को देख रहे हैं, जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने कहा कि सूर्य उदय से एक घंटे पहले, उसके अलावा कुछ और टिप्स आप देना चाहेंगी ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, बेटर हो, बेहतरीन हो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, या अच्छी अच्छा ज्योतिषाचार्य उन्हें नहीं मिला, या कुंडली में ही बिलीव नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं। तो आप सुबह उठें, सूर्य उदय से एक घंटा पहले उठें और अपने हाथ देखें, उनको किस करें, क्योंकि हर हाथ पे तीन देवता विराजमान होते हैं। जैसे हम मंत्र भी बोलते हैं, वो मंत्र ना बोल पाए कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शने, लेकिन आप सिर्फ हाथ देखें, किस करें, तीन बार अपने माथे पे ऐसे लगाएं। और कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा, पर मैं अपने हर क्लाइंट को बताती हूँ कि नाक का कोई एक स्वर चल रहा होता है, ये हाथ अपने इस नाक पे रख, हाथ नाक के सामने रखें, ये ऐसे रखें, ये हमारा सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर चंद्र है, जो एक चल रहा होता है उससे धरती को प्रणाम करें कि हे धरती माँ, मन में सोचें आप मुझे सारा दिन सहती हैं, मेरा सब सारा बोझ उठाती हैं। तो आपको प्रणाम, और उसके बाद वही पैर पहले जमीन पे रखें, जिस हाथ से आपने जमीन को छुआ है, प्रणाम किया, वही पैर पहले रखें, आपका हर दिन पहले से बेटर होता चला जाएगा, हर दिन पहले दिन से बेटर होता चला जाएगा। आपने साइंस और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन लोगों को एक तरह से समझाया है, आपके प्रेडिक्शंस इतने सही हुए हैं कि आपका हुनर जो है नेशनल लेवल पर पहचाना गया है। आपके पास कई मिनिस्टर्स और हाई प्रोफाइल लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो फिर भी आप अपने आप को इतना, आप जब मैं आपसे बात करता हूं, बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही हम्बल तरीके से आप बात करती हैं, तो अपने आप को इतना सिंपल कैसे रख पाई हैं? आपका बैकग्राउंड है या क्या क्या वजह है, कैसे किया है आपने? मुझे लगता है मैं कभी भी जब जैसी भी थी ऐसी ही थी हमेशा, लेकिन जब मैं किसी की जन्म पत्रिका देखती हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं लगता कि वो मंत्री है या फिर वो एक छोटा सा पीएन है या क्लर्क है, छोटा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जिसकी कुंडली है हमने तो न्याय करना है उसकी कुंडली के साथ। हाँ, ये जरूर होता है कि बहुत सारे गनमैन खड़े हैं और मंत्री आया, तो उसका समय कीमती है समाज के लिए, तो हम थोड़ा सा उसको अलग से टाइम दे देते हैं, और जिस दिन उसको टाइम दिया हो आम जनता को आगे पीछे दे देते हैं कि बेचारी आम जनता क्यों इंतजार करे। लेकिन हर कोई इंपॉर्टेंट है, हर कोई भी छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई अपना कर्म बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कोई ग्राउंड लेवल पे बैठा ही मेरे जैसा इंसान किसी एक की हेल्प कर देता है और मंत्री बन के कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, तो वो मंत्री बन किस फायदे उसका कोई, क्योंकि कोई मतलब मंत्री नहीं। तो जनता बनाती है, और वो भी अपनी सेवा के लिए बनाती है। अगर मोदी जी ने, भगवान करे कि उन्हें मतलब हमेशा वो इस बात पे चले, उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक कहा था, तो हर मंत्री सेवक हुआ ना, वो प्रधान सेवक, बाकी सब सेवक, बाकी सारे सेवक हैं। तो हर इंसान अपना कर्म अच्छे से करे, अपनी फैमिली में, समाज में, एक दूसरे को सहयोग दे। अगर किसी की किस्मत का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो बहुत सारे खुल जाते हैं, ये पक्की बात होती है। डॉक्टर अर्चना, आपसे बातचीत करके आज हमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जानने और समझने को मिली हैं। साथ ही ये जानने को मिला है कि मेहनत करने के साथ साथ कितना महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी शख्स के लिए अपने सितारों और उनकी ग्रह दिशा को समझना और उसके मुताबिक अपना चाल चलन पूरी तरह से ठीक करना। अर्चना जी, आप हमारे शो पे आई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वेल, एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से आपके लिए कि आपने समय निकाला, आप यहां पे आई और इतनी सारी बातें आपने मुझे बताई, और इस बात की मुझे खुशी है, इन्होंने मुझे ये बताया है कि मेरा ये साल बहुत बेहतर होने वाला है और बढ़िया होने वाला है। ये एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी मेहमान डॉक्टर अर्चना, जिन्होंने अपने प्रेडिक्शन से न जाने कितने लोगों की समस्याओं का हल निकाला है। अगर आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है, आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है, तो हमें लिख भेजिए
info@safarkamyabika.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9599506639। अगर आपकी कहानी वाकई प्रेरणा सूत्र है तो हम आपको अपने शो पर जरूर बुलाएंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी इस शो के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का, इन एसोसिएशन विद सकरडी प्लास्टर। और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूटो, द फाइनेस्ट साइड ऑफ फैशन। तब तक के लिए मैं अमन यतन वर्मा आपसे इजाजत चाहूंगा इस शेर के साथ, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। नमस्कार, सी यू नेक्स्ट वीक।